क्या राहुल गांधी में क्षमता है करने की? उनको समझ क्या है? उनको तो लाल किले पर खड़ा कर दीजिए, वो क्या भाषण देगा, मुझे तो तजुब होता है। एक ही तो है सर, मोदी मोदी मोदी। हम तो यादव कास्ट से हैं, तो अब इसलिए सी बात है मेरे खून में ही आरजेडी है। जैसे ही हिंदू आप कह दीजिए, अगर आप कहता है सांप्रदायिक है, तो जब मुस्लिम वर्ड के नाम पर पार्टियां बनती है तो क्या ये संप्रदाय नहीं है? भैया मोदी से आ रहे हैं, विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी का हाथ पकड़ सके। और इस बार 400 पार, 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो 250 तक में सिमट जाएंगे। मोदी इज द सिंगल ऑप्शन फॉर द कंट्री, फॉर फ्यूचर, फॉर प्रेजेंट, आई एम टेलिंग यू। हेलो, मैं इस वक्त हूँ पटना के बोरिंग रोड के एसकेपुरी पार्क के अंदर, जहाँ पे हर रोज हजारों लोग आते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए। फिलहाल देश की सेहत बनाने का समय आ चुका है, 2024 के जनरल असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, और जब जब इलेक्शंस आते हैं तब तब डेमोक्रेसी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हजारों करोड़ों लोगों की आवाज को ताकत मिलती है कि वो एक साथ मिलकर अपने अगले प्रधानमंत्री को चुन सके। अब जब ऐसा है तो हमारा तो कर्तव्य बनता है कि हम इन लोगों तक पहुंचे और उनसे पूछे कि आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और क्यों। अब जब ऐसे सवाल होंगे तो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन द रिएक्शंस एंड ओपिनियंस, और इन्हीं ओपिनियंस पे बेस्ड है हमारा आज का पूरा वीडियो। पर इससे पहले हम आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं हूं अपूर्व, ये है पब्लिक क्या कहती, ओनली ऑन जानो जंक्शन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल इन। सर, देश के भी फिट होने का समय आ रहा है, इलेक्शंस आर ऑन द वे, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से हमारा सवाल है अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और क्यों? वो नरेंद्र मोदी होगा, सारा विकास का काम उनकी सोच जो है गरीबों का उत्थान का है, देश के विकास के लिए वो सारा कुछ लगा दिया। आने वाला समय ये जान लीजिए, मोदी जी आएंगे और इस बार 400 पार। अरे मोदी जी के अलावा कहीं कोई नहीं है, माने मैदान में कोई है ही नहीं। क्षेत्रीय पार्टी सब है, थोड़ा बहुत सीट उठ लाएगा, लाना भी चाहिए लोकतंत्र में, आ नहीं तो एक तरह से बुझे कि ये बिल्कुल मतलब एक तरफा चुनाव। सरकार तो अभी बीजेपी की ही लगती है, कुछ सीटें कम होगी, इसलिए कि बिहार में मैक्सिमम सीट ले चुके हैं, यहाँ भी कमेगा, यूपी में नहीं कमेगा, बाकी और जगह कम रहा है सीट, तो सरकार तो उन्हीं की बनेगी। और वो किसको चुनते हैं वो दूसरी बात है, पहले से लोकतंत्र में यही होता है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र खत्म हो रहा है। पहले से लोग अनाउंस करते हैं प्रधानमंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो जीतेगा वो चुनेगा, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। 900 रुपए सिलेंडर है ना, 900 ही रहेगा ना, तब मानेंगे कि सरकार पब्लिक के हित में है, नहीं तो 80 रुपए परवल और 1400 रुपए गैस खरीदना बड़ा मुश्किल है। 1400 कम नहीं है, पहले बता दीजिए आप हमको, 1400 रुपए कम नहीं है? मोदी मोदी मोदी। आपके हिसाब से आप मुझे 3-4 कारण गिनाए। हम लोग जिस कारण से वोट दिए थे मोदी जी को, वो तीनों मेरा काम पूरा हुआ, 317 हटना, राम मंदिर बनना और सीए लगना, ये तीन काम के लिए हम लोग वोट मिले। और लोग बोलते हैं ना कि 15 लाख नहीं मिला, हमको 45 लाख मिला। मोदी जी को ही बनना चाहिए। कारण बताएं। देखिए, जब एक है कहावत महाभारत में कि कर्मंदे के राधिका माँ कलेशु कदाचन अंधुर है, जब जब विनाश का कब होता है तो किसी का अवतार होता है। मेरे समझ से मोदी जी ने अवतार बन के हमारे हिंदुओं के लिए वही अभी आए। जय जय श्री राम, इस बार 400 पार। मुझे तो ये बेनिफिट, मैं पार्टी जुटा हूँ नहीं, मैं पार्टी से भी नहीं जुटा हूँ और ना उनका ये उतरने वाले, मतलब हम लोग कांग्रेसी हैं, जनजात कांग्रेसी, जी हाँ। लेकिन अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा मोदी के सिवा, सारा काम उन्हीं का है। एक ही तो है सर, व्यक्ति विशेष की बात है, प्रधानमंत्री छोड़िए, एक ही व्यक्ति है अभी जो दिख रहा है, दूसरा कोई दिखे तो जरूर आदमी उधर जाए, दिल में सबके कुछ और है, जुबा पे कुछ और है, लेकिन नाम बस एक ही है। सवाल तो ऐसा पूछ दिए कि इसमें पूरा टोटली कन्फ्यूज हो गया है। देखिए जी, हम तो यादव कास्ट से हैं, तो अब इसलिए सी बात है मेरे खून में ही आरजेडी है, ठीक है, तो आरजेडी को हम स्टेट में सपोर्ट करते हैं और आरजेडी को लाइफ टाइम हम सपोर्ट करेंगे। मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बनेंगे। बात यह है कि पहली बार भारत किसी के नेतृत्व में सम्मान पूरी दुनिया में पा रहा है। आप गरीब है चलेगा, किंतु आपका सम्मान नहीं है समाज में, तो आप को जीने का हक नहीं है, आप जी नहीं पाते ठीक से। पहले एक जमाना हुआ करता था, किसी किसी के घर में फोन हुआ करता था, किसी किसी के पास बाइक हुआ करता था, आज एक एक घर में 3-3 बाइक है, 2-2 स्कूटी है, 3-3 4-4 कारें हैं। तात्पर्य क्या है कि विकास हुआ है। कहने के लिए कि सरकार किसकी बनेगी, वो तो पहले ही घोषणा कर दिया कि सरकार 400 पार, तब इसके आगे बोलना क्या है। अब जिस तरह से भी वो अपना बनाए, छल से बनाए, धन से बनाए, नहीं, पर इसके लिए तो प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। वो इलेक्शन कोई मायने ही नहीं रखते हैं। विकास देश का नहीं, विकास लोगों का हुआ है। इस तरीके से जो सरकार 10 वर्ष से काम कर रही है, वो सरकार जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को अपने मुट्ठी में कर रखा है,
और इलेक्शन कमीशन तक को अपने मुट्ठी में कर रखा है, तो उसमें निष्पक्ष चुनाव की गारंटी नहीं है। आप जब कहते हैं कि मोदी ने महंगाई बढ़ाई है, क्या महंगा हुआ है पहले बताइए। 70,000 रुपए, 7,000 रुपए सोना रहता आपको महंगा नहीं लगता है? और 107 रुपए पेट्रोल है वो महंगा लगता है? 2.5 लाख में आप बुलेट खरीद लेते हो महंगा नहीं लगता है? लेकिन 107 रुपए आपको पेट्रोल भराने की औकात रहे तो बुलेट क्यों खरीद लेते हैं? जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का भारत में दुरुपयोग हो रहा है, आप करप्शन के चार्ज लगाते हो, फिर उस पर ईडी भेजते हो और फिर उसको अपनी पार्टी में शामिल कराते हो, माने विचित्र बात है ना। उन सारे लोगों को अपनी अपनी पार्टी में शामिल कराते हो। मोदी के अलावा यदि कोई दूसरा ऑप्शन खोजता है तो इसका तात्पर्य कि वो मूर्ख है। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ साफ नारा दिया है देश के किसानों के सामने कि जो सरकार हमें दिल्ली नहीं पहुंचने दिया, हमारे लिए कांटे बोए गए, हम उनको दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे, उनके लिए दिल्ली पहुंचने में कांटे बोएंगे, गांव में उनको घुसने नहीं देंगे। आप कह दिए कि हिंदू मुस्लिम, तुम हिंदू हो, पहले सब कहता था तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, कोई हिंदू नहीं कह पाता था। तो जब सभी कह रहे कि मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो मैं क्यों ना कह दूं हिंदू हूँ? जैसे ही हिंदू आप कह दीजिए, अगला कहता है सांप्रदायिक है। तो जब मुस्लिम वर्ड के नाम पर पार्टियां बनती है तो क्या ये संप्रदाय नहीं है? जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो कॉरपोरेट को साथ दे रहे हैं, आम जनता को सिर्फ भिकमंगा बनाना चाह रहे हैं 5 किलो पर, तो इसके चलते जनता में अनवाइंस है। मोदी इज द सिंगल ऑप्शन फॉर द कंट्री, फॉर फ्यूचर, फॉर प्रेजेंट, आई एम टेलिंग यू। हम तो मोदी जी को देखना चाहते हैं, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से महंगाई बढ़ गया है। तो आप क्यों देखना चाहते हैं मोदी जी? क्योंकि हम लोग का रोजगार नहीं मिल रहा है। तो क्यों देखना चाहते हैं? पॉलिसी बहुत अच्छा है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, लेकिन बिहार को देख नहीं रहे। Let's go. क्या राहुल गांधी में क्षमता है करने की? उनको समझ क्या है? उनको तो लाल किले पर खड़ा कर दीजिए, वो क्या भाषण देगा मुझे तो तजुब होता है। वो प्रधानमंत्री बनने की सोचते हैं, कौन मूर्ख व्यक्ति है जो उनको सपोर्ट करता है कांग्रेस की पार्टी में भी? उनको भी मैं बता दूं अंदर अंदर चाहते हैं कि कौन मूर्ख के साथ हम खड़े हैं। इधर तो ऐसी इकोनॉमी फेल कहते हैं कि बेरोजगारी है, उधर राहुल गांधी 15 सालों से बेरोजगार बैठे हैं। मोदी का कोई पैरेलल खड़ा नहीं है, मेरे सामने आए मैं बताता हूँ। ये कन्हैया ये जो बक देता है ना, ये जो तेजस्वी जो बोल देते हैं ना, ये लोग पास कोई तर्क वर्क नहीं है। चलिए धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आप क्या करते हैं? मैं एक शिक्षक हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो तमाम लोगों से बात हुई और इनसे बात करने के बाद एक बात जो बिल्कुल साफ नजर आती है वो ये है कि जीतेगा वही जिसका जो जिसकी बातें जो है वो भरोसा करने लायक होंगी, जिनका विजन बड़ा होगा येट अचीवेबल होगा। सो बाकी तो खेल है, लेट्स सी कि क्या होता है। कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कौन होगा अगला प्रधानमंत्री और क्यों। फॉलो जानो जंक्शन फॉर मोर।